students, a very good morning to all. In our previous video we discuss about the exercise 1.1 of rational number, and also we solve the exercise 1.1, but we two questions of exercise 1.1 are pending. We solve that question in end of this video. ठीक है. सो फर्स्टली मैं क्या आपको जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसकी इंट्रोडक्शन दूंगी आज. जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.1 की दी थी और एंड में क्या है वो दो क्वेश्चन जो पेंडिंग थे वो आपको क्या है सोल्व करवाऊंगी. सो चलते हैं. चलो अब सबसे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज में क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर की थी, बट उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन की थी, हमने एडिशन की थी, है ना, कि जब भी किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन सी नहीं करती, जब भी हम किसी टू रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी हमने, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. सो हमारे पास टू रिमेनिंग है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की. तो इस वीडियो में मैं उन दोनों के बारे में बताऊँगी. आप ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि ये जो भी प्रॉपर्टी हैं जितनी भी, ये हमेशा ना ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लस और मल्टीप्लाई हैं ये तो इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं. प्लस और मल्टीप्लाई हैं ये तो इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, फॉलो करते हैं, पर जो हमारा माइनस और डिवीज़न है ना ये इनको होल्ड नहीं करते. बस ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा. ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और डिवाइड नहीं करेंगे. तो चलते हैं अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज़ उस दिन डिस्कस की थी वही हमने आज डिस्कस करनी है. ठीक है, सेम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें भी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, उधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी की थी, देखना जब करोगे समझ आ जाएगा. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ पी ओवर क्यू आर ओवर एस, टू रैशनल नंबर ले लिए हमने, उसमें क्या था कि अगर हम टू रैशनल नंबर को ऐड करवाए जो उनका आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा ना, वो ऐसे करते थे. इसमें हमने दो रैशनल नंबर ले लिए, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की है ना, तो दोनों रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर हम टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाए सो जो हमारा गिवन आंसर होगा डैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी ओवर की फॉर्म में है ना, पी आर ओवर क्या हुआ एस. तो जो हमारा गिवन आंसर होगा टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाने से डैट विल बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है, अगर ये रैशनल होगा तो ये क्या है, इट मीन्स क्या है, दिस फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. एग्जाम्पल ले लो, 3/5 लिया फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकेंड के लिया 7/8, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, सो आंसर विल बी 21/40. सो 21/40 इज़ अवर रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाई फॉर, होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. क्लियर होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये लिखा है दिस शोड एट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल्ड गुड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. सो नेक्स्ट आ गई हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की क्या, एडिशन की क्या थी अगर आपको याद करवाऊँ, कि अगर हम पी ओवर क्यू प्लस आर ओवर एस करें, दूसरी साइड पे आर ओवर एस को आगे लिख ले, पी ओवर क्यू को पीछे लिख ले, तो जो रिजल्ट्स हैं डैट आर द इक्वल, है ना, कि जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल आएंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने टू रैशनल नंबर ले लिए, पी ओवर क्यू आर ओवर एस. प्रॉपर्टीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप प्रॉपर्टीज़ को याद करो, लर्न करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एंड सो ऑन. ठीक है, सो अब देखो पी ओवर क्यू और आर ओवर एस टू रैशनल नंबर्स ले लिए, टू रैशनल नंबर. सो कह रहे हैं कि अगर हम पी ओवर क्यू को आगे रख के आर ओवर एस को पीछे रख के मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर आर ओवर एस को आगे रख के पी ओवर क्यू को पीछे रख के मल्टीप्लाई करवाएं, सो सेंटर में क्या है, इक्वल, तो देयर रिजल्ट्स आर द इक्वल, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल. सो देखते हैं कैसे. तो ये ले ली दो एग्जांपल, लेट 3/5 7/8 आर टू रैशनल नंबर्स. एक साइड पे क्या कर रहे हैं, ये 3/5 को आगे रखा, 7/8 को पीछे रखा, मल्टीप्लाई करवाया. एक साइड पे 7/8 को आगे रखा, 3/5 को पीछे रखा, मल्टीप्लाई करवाया. मल्टीप्लाई में ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये चीज़ याद रखो हमेशा.
सो लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट इज 21/40, राइट में भी क्या आया 21/40, तो बोथ रिजल्ट्स आर द इक्वल आ रहे हैं. सो इट मींस क्या है, हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है होल्ड्स गुड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि ये जो रैशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या है, होल्ड करती है. क्लियर होगी सेकेंड प्रॉपर्टी आपको. सो थर्ड पे चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी आपको याद है थोड़ा बहुत कुछ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसे करते, जैसे हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक तो हमारे पास क्या थ्री नंबर्स आ जाते थे, बताया था आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाते थे, थ्री नंबर्स, पी ओवर क्या यू, आर ओवर एस, टी ओवर यू. ये मैंने आपकी बुक्स में से पिक्चर्स ली हैं, तो आप बुक में से क्या है साथ में रख के क्या है पढ़ सकते हो. ठीक है, पी ओवर क्या यू, आर ओवर एस, टी ओवर यू, थ्री रैशनल नंबर्स लिए. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, एक बार तो आगे वाले टू नंबर्स को ब्रैकेट में रखो विद इन द ब्रैकेट, लास्ट वाले को एज इट इज़ रख दो. एक बार क्या करना होता है, लास्ट वाले टू को ब्रैकेट में रख दो, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रख दो, है ना. जब दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए. दैट इज़ अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेशन की है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ये चीज़ याद रखो. ठीक है, दोनों जगह पे क्या है मल्टीप्लाई, प्लस में दोनों जगह पे प्लस होता था, सब्ट्रैक्शन में दोनों जगह पे सब्ट्रैक्शन होता था, तो मल्टीप्लाई है दोनों जगह पे क्या आएगी, मल्टीप्लाई ही डलेगा साइन है जो. ठीक है, सो अब देखो एग्जांपल ले ली, थ्री रैशनल नंबर ले लिए इन्होंने, 3/5, 7/9, 5/7. सो लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड इसमें क्या किया, आगे वाले टू को ब्रैकेट में रखा, इसमें पीछे वाले टू को ब्रैकेट में रखा, विद इन साइंस कौन से डाल दिया मल्टीप्लाई के. सो फर्स्टली हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना बोर्ड मास से. सो फर्स्टली हम ब्रैकेट को सोल्व किया, 3/7, 21/5, 9/45. सिमिलरली इधर सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो पीछे था इसको मल्टीप्लाई कराया, इधर आगे था उसको मल्टीप्लाई कराया, जब मल्टीप्लाई कराया तो इधर कितना रिजल्ट आया, 1/3, राइट में भी रिजल्ट कितना आया, 1/3. सो ये क्या शो हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस शो डैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई में भी होल्ड कर रही है. समझ आ गई ना ये बात, क्लियर हो गया ये आपको. सो नेक्स्ट हम फोर्थ पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी की थी ना, एडिटिव आइडेंटिटी की थी, सब्ट्रैक्शन में तो ये होल्ड ही नहीं कर रही थी, एडिशन में की थी हमने आइडेंटिटी, है ना. सिमिलरली आइडेंटिटी में क्या किया था, एडिशन की आइडेंटिटी में हमने कुछ याद है, एडिशन में ये था कि हम रैशनल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें सो डैट हमारा जो रिजल्ट है वो सेम रहे, चेंज ना आए कोई भी, है ना. डैट इज़ अवर आइडेंटिटी. जैसे 2/3 है, उसमें हम क्या ऐड करें ताकि 2/3 रह जाए, तो ज़ीरो ऐड करते थे ना, ज़ीरो ऐड करते थे ना, अगर याद है आपको. किसी भी नंबर में अगर हम एडिशन की थी तो उसमें एडिशन की थी तो उसमें हमने ऐड करने से देखा था कि क्या चीज़ हम ऐड करें सो डैट हमारा रिजल्ट है उसको कोई फ़र्क ना पड़े, वो एज इट इज़ ही आंसर आ जाए, तो उसमें ज़ीरो ऐड करते थे. ज़ीरो ऐड करने से किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव की, है ना, मल्टीप्लाई की. तो देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई रैशनल नंबर है हमारे पास पी ओवर क्या हो, उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें. इसमें क्या है हमारा कि उस रैशनल नंबर को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें सो डैट जो हमारा आंसर है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, जो आंसर है हमारा वो क्या है पी ओवर क्या ही आ जाए एज इट इज़. ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है, उसमें एडिशन करके देखना था, तो उसमें ज़ीरो था, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ज़ीरो ही बन जाएगा, ये तो बनी नहीं हमारी बात. तो यहाँ पे किस चीज़ से किसी भी चीज़ को हम, जैसे टू है उसको किस से मल्टीप्लाई कराए ताकि टू ही रह जाए, तो हम बोलेंगे 2 1 2. तो 1 से किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा नंबर है वो जो रिमेन रह जाता है ना एज इट इज़. तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या आएगी, हमेशा वो 1 आती है. एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या आती है, 0 आती है, ये चीज़ याद रखो. एडिटिव आइडेंटिटी 0 आती है हमेशा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी आती है, 1 आती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 1 को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो पी ओवर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 को पी ओवर क्या उसे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो पी ओवर क्या ही रहेगा हमारा. सो दैट इज़ अवर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. सो वी कैन से डैट हेयर 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी.
ठीक है। सो एक एग्जांपल लिया, 3/5 रैशनल नंबर ले लिया, एक बार तो 3/1 को पीछे रख के मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 को आगे रख के मल्टीप्लाई किया, आंसर है डैट विल बी इक्वल। ये हम आंसर क्या है हमारा इक्वल आया, 3/5 = 3/5। सो दिस शो डैट द 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स भी आपको करवाया था ना, इनवर्स एडिटिव इनवर्स किया था। एडिटिव इनवर्स क्या था हमारा कि जैसे हमारे पास +3 है, +3 में हम क्या ऐड करें सो डैट हमारा आंसर था उसमें हमारा आंसर 0 बनना चाहिए था, है ना। तो हम क्या करते थे, 3 में -3 ऐड कर देते थे, हमारा आंसर कितना आ जाता था 0, है ना। उसमें हमारा आंसर था वो 0 बनना चाहिए था। ये चीज़ याद रखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में जो हमारा आंसर है वो आइडेंटिटी वाला बनना चाहिए। जैसे एडिटिव एडिशन में तो हमारा जो आंसर था वो 0 बनना चाहिए होता था, पर ये मल्टीप्लीकेटिव का इनवर्स है तो इसमें जो हमारा आंसर है वो 1 बनना चाहिए है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेटिव में मल्टीप्लाई में जो हमारा आंसर है वो क्या बनना चाहिए, 1, ठीक है। एडिशन में हमारा जो आंसर था वो 0 बनना चाहिए था इनवर्स में, एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमारा आंसर 1 बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2/3 है, उसमें तो था कि किस चीज़ को प्लस करें ताकि हमारा आंसर है जो 0 बने, प्लस करते थे, पर इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो हम मैं बोलूँगी इसमें 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें सो डैट हमारा रिजल्ट 1 आ जाए, सो डैट हमारा रिज़ल्ट क्या है 1 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओपोजिट 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो ओवर रिजल्ट विल बी द 1। सो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। सो डैट विल बी नोन एज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गया कि हम किसी रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें सो डैट हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। सो पी ओवर क्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्यू ओवर पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे क्यू ओवर पी को पीछे रख लो चाहे आगे रख लो, जो हमारा रिजल्ट है वो 1 नहीं रहेगा, क्योंकि क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। सो हम क्या बोलेंगे, क्यू ओवर पी एंड पी ओवर क्यू आर कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अगर मैं क्यू ओवर पी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढूँ तो वो पी ओवर क्यू आ जाएगा, अगर मैं पी ओवर क्यू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढूँ तो वो क्यू ओवर पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है टू ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। अब क्या है, एक एग्जाम्पल ली, 3/5 कोई रैशनल नंबर लिया, सो अब खुद बताओ आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 आए, 5/3 से ही करेंगे। सो एक बारी क्या है, 5/3 को पीछे रख के मल्टीप्लाई कर दिया, एक बारी क्या है 5/3 को आगे रख के मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 1 आ गया। सो 1 1 आ गया। सो दीज आर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, समझ आ गया। सो नेक्स्ट हमारी क्या है, एक उस एडिशन में तो हमारे पास यही तक थी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इनवर्स तक, एडिटिव इनवर्स तक, बट मल्टीप्लीकेटिव में 2 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं हमारी, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, अब ध्यान से सुनो, 6 प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या है, सिंपल ही है कि आपको पता ही, अगर हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना बनता है, 0। ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, सिंपल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की, करना होगा कर लेना, कि चाहे 0 को पीछे रख लो चाहे 0 को आगे रख लो, जो हमारा आंसर है वो 0 ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। दैट इज़ द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 आ गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, इट्स प्रोडक्ट, तो हमारा हमेशा क्या वो 0 ही आंसर आएगा। जैसे 8/23 को 0 से मल्टीप्लाई कराया, 0 को पीछे रखा तो भी 0 आया, 0 को आगे रखा तो भी 0 आया, सो डैट आर द इक्वल, ठीक है। ये एक न्यू प्रॉपर्टी आ गई, डैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये एक न्यू प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पहले नहीं आई एडिशन में। डैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में फॉलो नहीं करती, ये ओनली मल्टीप्लीकेशन में ही करेगी, ठीक है, ये ओनली क्या है मल्टीप्लीकेशन में ही करेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, पहली बात तो इसमें 3 ही हम रैशनल नंबर लेंगे, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर लेते थे, इसमें भी हम 3 रैशनल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे, क्लियर।
पर इसमें जो देखो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई किया हमने उसमें क्या थे हमारे जो साइंस थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में क्या थे मल्टीप्लाई थे। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना इसमें प्लस का साइन भी आएगा मल्टीप्लाई का भी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें दोनों तरह के साइन आते हैं प्लस का भी और मल्टीप्लाई का भी, ठीक है। तो जैसे हमने ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ये ध्यान से देखो कि अगर हम पी ओवर क्यू को आगे रखें सेंटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई डालें और पीछे वाले दो को ब्रैकेट में रख के इनके बीच में प्लस डालें तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। एक बार तो देखो मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो पी ओवर क्यू को पहले आर ओवर एस से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गया ना पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई आर ओवर एस, सेंटर में प्लस था तो यहाँ पे प्लस डल गया। आगे पी ओवर क्यू को किससे मल्टीप्लाई किया टी ओवर यू से तो ये हमारी क्या सेकेंड टर्म बन गई, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या है हमने टू टर्म्स बना ली। तो दिस इज़ नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले क्या किया पी ओवर क्यू को मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे तो पी ओवर क्यू को मल्टीप्लाई किया आर ओवर एस से तो डैट विल बी अवर फर्स्ट फर्स्ट हमारी क्या टर्म बन गई पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई आर ओवर एस। सेंटर में क्या है यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे सेंटर में क्या डल गया प्लस डल गया। आगे हमने पी ओवर क्यू को पीछे वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया टी ओवर यू से तो ये क्या बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई टी ओवर यू। डैट इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कि अगर हम राइट साइड सॉल्व करें चाहे लेफ्ट साइड सॉल्व करें सॉल्व करने से हमारा जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। कैसे देखते हैं, थ्री हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड में तो हमने सिंपली रख लिया जो हमारा ये लेफ्ट में था ना ऐसे रख लिया पी ओवर क्यू रखा, देन क्या है लास्ट वाले टू थे इनको ब्रैकेट में रख के सेंटर में प्लस डाल दिया है ना। राइट साइड पे क्या रखा हमने पी ओवर क्यू फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई में रखा प्लस फिर सेकेंड फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई में रखा, यही चीज़ ओपन किया है जो यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ध्यान से करना, पहले तो ये आगे ऐसे ही रखा जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में साइन किसका है प्लस का तो ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम लेके जो भी आंसर आया फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है तो जो हमारा एंड में आंसर है वो 94/105 आया। सिमिलरली राइट साइड में देखो बोर्ड मास करते हैं ना, बोर्ड मास में एडिशन पहले आता है या मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट आती है देन ऑफ आती है डिवीज़न मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी तो इनमें पहले ये टर्म सॉल्व होगी इधर से ये टर्म सॉल्व होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली टर्म्स सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे 3 5 15 है ना, 3 को 5 से किया 15 ओवर 5 से 5 कैंसिल ही हो रहा है तो कैंसिल कर दो सिंपली 3/7 रह गया। सो प्लस फिर इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल पे 3 3 9 चला जाएगा, ये दिख नहीं रहा आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले मल्टीप्लाई वाली टर्म सॉल्व करनी है प्लस को बाद में सॉल्व करना है, बस सिंपली से कट करवा दो मल्टीप्लाई करवा दो बस प्लस को बाद में सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया 94/105 बोथ आर इक्वल सो वी कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर हुआ। सो इन्होंने बोला है कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अगर सब्ट्रैक्शन के साथ करें, ये अभी रहने दो इसकी ज़रूरत नहीं है इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अभी हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं, डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, सिंपली टू रैशनल नंबर्स ले लो पी ओवर क्या आर ओवर एस, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड कराएं तो जो हमारा आंसर आता है वो रैशनल नंबर ही होता है ना। सेम इन डिवीज़न, टू नंबर्स लिए दोनों को डिवाइड कराया, बीच में साइन किसका है डिवीज़न का है ये साइन है, दोनों को डिवाइड कराया सो हमारा आंसर है वो क्या है कह रहे हैं हमेशा क्या आएगा रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। सो डैट क्या शो कर रहा है कि क्लोज़र प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। सो जैसे टू हमने तो हमने क्या किया यहाँ पे टू रैशनल नंबर्स ले लिए 3/5 7/9 दोनों को डिवाइड करें। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी दो नंबर जैसे 3/5 डिवाइड है यहाँ पे ना, डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है आपको शायद पता ही होगा कि अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो जो पीछे वाला हमारा पीछे वाली हमारी स्टेटमेंट होती है उसको हम उल्टा देते हैं, जैसे 7/9 है तो ये 9/7 बन जाएगा ना, ये चीज़ पता होगी। तो इसको 9/7 करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 27/35।
सो 27/35 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो दिस शो डैट द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड गुड फॉर द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. क्लियर हो गया. सो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. डिवीजन की इतनी प्रॉपर्टी नहीं करनी, दो ही थी आपकी बुक में भी, मेनली आपने मल्टीप्लाई और एडिशन की ज़्यादा मेन है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है. दोनों तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते ही नहीं. बस आप इतना याद रखो, जो माइनस और डिवीज़न है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं और किसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लो क्या होती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, टू रैशनल नंबर लेके चाहे तो पहले वाले को आगे रखो चाहे दूसरे वाले को आगे रखो, डिवीज़न की है सेंटर में डिवीज़न डाल दो. तो ये क्या है, देखो नॉट इक्वल है ना, इन्होंने नॉट इक्वल डाला है, तो कह रहे हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे. अगर इक्वल नहीं आएंगे तो दिस मीन डैट डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट होल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, देखते हैं कैसे. टू रैशनल नंबर ले लिए एक साइड पे, तो 3/5 को आगे रखा, 7/9 को पीछे रखा, डिवाइड किया. इधर क्या है, 7/9 को आगे रखा, 3/5 को पीछे रख के डिवाइड किया. सो पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, पीछे वाली स्टेटमेंट को क्या है रिवर्स करके सोल्व किया. तो इधर आंसर आया 27/35, इधर आंसर आया हमारा 35/27. सो डैट आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल. सो दिस शो डैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर द डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, ये देखो सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके लिए होल्ड नहीं होगी डिवीज़न के लिए. मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कोई भी प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी. तो इससे ही हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हुई एक्सरसाइज 1.2 की. ये 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे, मैं करवा देती हूँ. वैसे फर्स्ट वाला तो आप खुद से कर सकते हो, ये ईजी है. ये खुद से आप फर्स्ट वाला ट्राई करके देख लेना. सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज ही पुट करना है और सोल्व करना है. ठीक है, मैं आपको अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके भेज सकते हो, मैं दोबारा से सोल्व करवा दूँगी. मैं आपको 9th क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ इसका. 9th क्वेश्चन क्या है, देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, चेक करना है हमने. वेरीफाई का मतलब भी यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो राइट हैंड सोल्व करो, दोनों इक्वल आनी चाहिए. चेक का मतलब भी यही है कि चेक करो कि ये नॉट इक्वल टू आर, सेंटर में साइन किसका है, नॉट इक्वल को है ना, कि ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक करना है येस और नो में. तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई ब्रैकेट माइनस जेड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. सो लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, पुट कर दो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स की कितनी है 3/5, ठीक है, माइनस वाई कितना है हमारा 17/35, ब्रैकेट है ब्रैकेट रखो, माइनस जेड कितना है 4/7. क्लियर, सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, इनका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 35 को 5 से डिवाइड किया 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस है माइनस, 35 को 35 से डिवाइड किया 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17. क्लियर, माइनस 4/7 एज इट इज़. आगे सॉल्व करेंगे, 21 में से 17 गए 4/35, माइनस में 4/7 पीछे वाला एज इट इज़ उतार लिया. आगे फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आया 35 को 35 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस है माइनस, 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 20. सो 20 में से इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16, बड़ा कौन है 20, सो साइन किसका आएगा माइनस का 35. सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई. अब राइट हैंड साइड में हमारे क्या है, देखो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू क्या दी हुई थी, ये है ना, इसको उतारो एक्स माइनस वाई माइनस जेड. ठीक है, सो पुट करो वैल्यूज, एक्स की वैल्यू कितनी थी 3/5, माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी 17/35, माइनस जेड की वैल्यू कितनी थी 4/7. ठीक है, सोल्व करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट, सो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ब्रैकेट 35 आ गया, 35 को 35 से डिवाइड किया 1 को 17 से किया 17, 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20. सो आगे करो, माइनस करेंगे इनका, 20 में से 17 जाएंगे 3, साइन किसका आएगा 20 का, माइनस
ओवर 35, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, सो 35 ये माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3/35। एलसीएम लेंगे देन 35 आ गया, 35 को 5 से डिवाइड किया, 7, 7 3 जा 21, प्लस 35 को 35 से डिवाइड किया, 1, 1 3 जा 3, 21 + 3 = 24/35। सो चेक करो लेफ्ट साइड कितनी आई थी हमारी, -16/35, और राइट साइड क्या आई है, 24/35। सो -16/35 नॉट इक्वल टू 24/35, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आंसर क्या जाएगा, यस, चेक करने के लिए बोला था ना, यस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन शायद कर लोगे, अगर नहीं हुआ तो बता देना। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है 3.2 1.2 को सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।